चार दिन से लापता युवक का शव गांव के पास ही नाले में मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार नारायणगढ़ थाना क्षेत्र से चार दिन से लापता युवक का शव आज उसी के गांव की पुलिया के पास नाले में मिला। युवक की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। आज सुबह करीबन 10 बजे पास से गुजर रही बस के कंडक्टर ने नाले में मोटरसाइकिल देखी तो उसने बस रुकवाकर वहां देखा तो नाले में एक व्यक्ति की लाश और बाइक दिखाई दी। इसकी सूचना ग्रामवासियों को दी गई। ग्रामीण जनों ने शव को देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर नारायणगढ़ थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा यह निरीक्षण किया गया तथा मौके पर FLC टीम भी मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिवार जनों के मुताबिक वह चार दिन से लापता था जो कि घर से बूढ़ा जाने के लिए कहकर निकला था, जिसकी गुमशुदगी दर्ज कराने जाने वाले थे। जैसे ही इसकी सूचना मिली गांव में मातम छा गया। लड़के का नाम अर्जुन सिंह, पिता ईश्वर सिंह, उम्र 20, निवासी हिल्ली है, जिसके पिताजी का देहांत पहले ही हो चुका है। दो भाइयों का परिवार, जिसमें से एक भाई बचपन से ही मामा के वहां पर रहता है जो कि करीबन 13 साल का है। पूरे परिवार का भरण पोषण अर्जुन सिंह कर रहा था। पास में ही उसकी मोटरसाइकिल भी दुर्घटनाग्रस्त मिली है। ये हमें अभी सूचना मिली थी कि ग्राम इरली के पास में, ये इरली बूढ़ा रोड पर स्थित पुलिया के साइड में खाई में एक डेड बॉडी मिली है, तो उसकी जांच में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और पता चला है कि वो ग्राम इरली का रहने वाला अर्जुन, पिता ईश्वर राजपूत है, जिसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है। ये गांव से 2-3 दिन से लापता था और घर वाले आज जो है वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाने आने वाले थे। रात को उन्होंने बताया था कि सर ऐसे ऐसे हमारा भाई लापता है और हम सवेरे गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाने आ रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर क्या कुछ मालूम पड़ पाया, क्या लगा एक्सीडेंटल है? हाँ, प्रारंभिक साक्ष्य तो इसी तरफ इंगित कर रहे हैं और जो गांव से भी साक्ष्य मिली है वो ये मिली है कि ये गांव से सोयाबीन का कट्टा लेकर के निकला था मोटरसाइकिल से और शराब पीने का आदि था। उस दिन भी काफी शराब पी रहा था।